हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विक्की और आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी दिनों बाद फिर से मैंने एक वीडियो सोचा है अपलोड करने के लिए। तो आज मैं जो टाटा 870 जक्सिस, टाटा की जो 870 की मशीन है, उसके केबिन के बारे में रिव्यू करूंगा। और थोड़ा सा आपको मैं ये केबिन दिखा देता हूँ। ये देखिए, आज फ़िलहाल तो ड्यूटी मेरी इसी में है कंटिन्यू। तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके केबिन के बारे में एक वीडियो बना दूँ, तो आज थोड़ा टाइम मिल गया है तो सोचा कि चलिए आज मैं आप लोगों के लिए ये टाटा 870 की केबिन की थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ और उसके लिए एक छोटा सा एक वीडियो बना देता हूँ। तो इससे पहले ये है कि फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर एक अपडेट आप तक पहले पहुँच जाए। तो चलिए टाटा 870 की केबिन की रिव्यू शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि इस वीडियो में पहले मैं आपको एक छोटा सा एक क्लिप दिखा देता हूं, क्योंकि जो मैंने टाटा 470 कैबिन के रिव्यू के टाइम पे बहुत सारा कमेंट्स आया था कि थोड़ा चला के दिखाइए, इसी तरह का बहुत ज़्यादा कमेंट्स था। तो चलिए इस लीवर के बारे में हल्का हल्का मैं जानकारी दे देता हूँ, जो कि मैं दे चुका हूँ, लेकिन मैं हिला डुला के दिखा देता हूँ और ज़्यादा टाइम इस पर मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि चलाते हुए मशीन पर वीडियो बनाना आप तो जानते हैं पॉसिबल है नहीं। तो चलिए एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक मिनट, ये राइट लीवर, ये लेफ्ट लीवर, ये तो मैंने 470 केबिन के रिव्यू के टाइम ही बता दी थी। हालांकि ये 870 मशीन है, इसमें मैंने बताया था बूम और बकेट, इसमें मैंने बताया था स्टिक और स्विंग। ये देखिए मेरा ये लीवर देखिएगा और आगे देखिएगा, ये लीवर जो है, ये जो बूम है ना, ये वाला, ये पूरा काम करेगा, यानी ये पूरा कम्प्लीट उठेगा। ये देखिए उठ रहा है। अभी देखिए मैं इसको डाउन करूँगा तो आप ध्यान दीजिएगा आगे में बकेट बैठेगा। ये पूरा का पूरा जो है, ये देखिए बूम जो है पूरा का पूरा बैठ रहा है ना। और ये देखिए मैं इसको लेफ्ट साइड लूँगा तो बकेट बंद होगी, राइट साइड लूँगा तो बकेट खुलेगी, ठीक है। ये आर्म के लिए है, आर्म और स्विंग, यानी स्टिक और स्विंग। ये मैं दूँगा तो सीधा ये जो स्टिक है आगे जा रही है, इसे मैं जब अंदर लूँगा तो ये देखिए स्टिक जो है अंदर आ रही है, और इसे जब मैं राइट की तरफ करूंगा तो ये देखिए मशीन राइट की तरफ स्विंग कर रही है, इसे जब मैं लेफ्ट की तरफ करूंगा तो ये देखिए मशीन लेफ्ट की तरफ स्विंग कर रही है। तो ये मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए इसलिए बना दिया क्योंकि ये 470 केबिन के टाइम पे जो आप लोगों ने बार बार रिपीट कमेंट बहुत ज़्यादा कि चला के दिखाइए, ये देखिए मैं इसे पूरा बैठा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं इसे पहले एक बार उठाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये स्विंग मैं कर रहा, ये मैंने स्विंग किया, ठीक है, है ना। चलिए अब केबिन की रिव्यू शुरू करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैं भी दिखाता हूँ, ये 870 का चाबी, ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग हर एक चीज़। ये मैंने चाबी को ऑन करा और ये डिस्प्ले पे लाइन आ गई, ठीक है। ये तो आपको समझ में आती है, कूलेंट का टेम्परेचर मीटर और ये फ्यूल मीटर, ठीक है। ये एसी के ब्लोअर हॉल को बांधने के लिए रखा था मैं, ठीक है। अभी मशीन हमारी बकेट मोड पे है, ये देखिए, और मार्चिंग स्लो पे है ये कछुआ छाप। चलिए पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये चाबी हो गई, ये हेडलाइट्स हो गए, ये मार्चिंग का स्पीड स्लो हो गया, ये मशीन का ऑटो एडल हो गया, यानी मशीन जब हमारी रेस रहती है, जब हमारी इंजन रेस रहेगी तो उस मोड पे भी अगर मैं मशीन को ऑपरेट नहीं करता हूँ, थोड़ा देर एडल रहे तो वो ऑटो एडल पे आ जाती है, यानी एक्सलेटर कम हो जाता है, ठीक है। ये ऑटो एडल है, ऑन इधर, ऑफ इधर, ऑन। जब इसको हम लोग ऑन करते हैं तो ये यहाँ देखिए AI है ना, ऑटो एडल, ऑटो एडल, ये यहाँ पे जब हमको हम लोग इसे जब ऑफ कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर AI जो था वो हट गया, ठीक है। चलिए इसको ऑन पर ही रख देते हैं। और ये जो स्विच देख रहे हैं आप, ये मोड है, यानी जब हम लोग इसको मोड पे डालते हैं, ये एक बार क्लिप करेंगे, यहाँ देखिए PWR लिखाएगा, PWR यानी पावर मोड पे, यानी मशीन के RPM जो एक्स्ट्रा 200 बढ़ती है। और जब फिर हम लोग इसको एक बार क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ देखिए ये ECU यानी नॉर्मल मोड पे मशीन हमारी चलेगी, ठीक है। ये देखिए सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाया है, इसलिए सीट बेल्ट का सिंबल भी आ रहा है। चलिए ये तो सभी समझ रहे हैं, RPM है, ये आपका FM के लिए दिया हुआ है, ये FM ट्यून के लिए। और सबसे मस्ट इसका ये देखिए, इसका क्या है फ्रेंड्स कि इसका अलग से AC स्विच नहीं, ये जो ब्लोअर है, इस ब्लोअर को जब हम लोग ऑन करेंगे, जब इसे मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। ये देखिए मैंने
ये ब्लोवर को ऑन करा, ये देखिए यहाँ पे 18.5 डिग्री पे ऑन हो गया, और ये ऑटोमेटिक एसी का जो स्विच है वो अटैच्ड रहता है, सिर्फ ब्लोवर ऑन करना है ये एसी का स्विच भी अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस ब्लोवर के स्पीड को मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, 2-3 पे बढ़ा दिया, ये देखिए यहाँ पे स्पीड भी उतनी पंखे की बढ़ेगी, यानी पंखा उतना ही स्पीड से घूमेगा, ठीक है। और इसको ऑफ़ करना है तो सिर्फ इसको पुश कर देना, ये ऑफ़ हो जाएगा। और ये है कूलिंग और हॉट करने का स्विच है, यानी इसको हम लोग जब जैसे देखिए पहले एसी ऑन करते हैं, यहाँ पे देखिए एसी, ये देखिए एसी ऑन हो गया। उसके बाद जब हम लोग इसको हॉट करते हैं यानी प्लस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 19.5 आ गया ना, ये इसी तरह बढ़ता ही रहेगा, देखिए 20। फिर इसको जब ठंडा करना है तो ये रिवर्स हम घुमाएं उसको, फिर वो ठंडा हो गया। फिर इसको ऑफ़ करना है तो ये पुश कर दिए, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, इतना बड़ा सा ये मेन्यू का बटन है, यानी हमारे डिस्प्ले में ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम लोग एक बार पुश करते हैं, ये डिस्प्ले में देखिए पूरा लिस्ट आ गया। अब इसको अगर हम लोग राइट घुमाते हैं तो ये अप डाउन होता रहेगा, ये देखिए हो रहा है ना, तो ये मेन्यू सेटिंग्स है, ठीक है। और जब इसको बैक करना है तो ये बैक बटन है, इसको करेंगे ये बैक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप लोग यहाँ से इतनी दूर से तो समझ में आ नहीं रही है, तो ये हो गया इसका कैबिन में मीटर वगैरह, ठीक है। ये एफएम्स के लिए भी दिया हुआ है डायरेक्ट, ये वाइपर का दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले देखिए, गौर से देखिए, एक नीचे ये लाइट देखिए, जब मशीन ऑन हो जाएगी ना तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, जब तक ये मशीन ऑन नहीं होगी तब तक ये लाइट जलती ही रहेगी। आपको मैं एफएम भी ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए अगर मैंने एफएम को पुश किया तो ये ऑन हो गया, ये देखिए बजने भी लगा और अच्छा गाना बज रहा है। और फिर जब हम इसको पुश करते हैं तो ऑफ हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे ऑफ हो गया। ये अब सिर्फ बेसिक इतना ही है, इसमें कुछ खास नहीं है, और ये मशीन थोड़ी बड़ी है, ठीक है। ये मार्चिंग लीवर है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया, ये दोनों, और ये हाइड्रोलिक लॉक है ऑन और ऑफ़ का। और सबसे ये एक छोटा सा स्विच है लेकिन बहुत काम का स्विच है, इसको हम लोग अगर ऑन करते हैं, ये देखिए ऑफ, ये ऑन, ये ऑन करने से एक ही चीज़ होता है कि मशीन को जब हम लोग हार्ड माल में काटते हैं ना, हार्ड मटेरियल जब मशीन को काटते हैं तो हार्ड मटेरियल जब हम लोग लगाते हैं तो मशीन की चैन क्या होती है कि उठ जाती है, जाहिर सा है उठना ही है। तो ये स्विच अगर हम लोग ऑन करके, जब इस स्विच को हम लोग ऑन करके चलाते हैं तो जब हम लोग हार्ड मटेरियल काटते हैं ना तो वो चैन को ऊपर आने नहीं देता है, बस इतना ही काम है इसका, लेकिन बहुत ही शानदार काम है इस स्विच का। अब चलिए आपको मैं पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बड़ी मशीन है तो इसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम्स लगे हुए हैं। ये जो है ना लुब्रिकेंट्स कंट्रोलर है, ठीक है, इसमें ये ढंग से नज़र नहीं आ रहा है, इधर थोड़ा सा धूप भी है। तो ये पंप जब ऑन रहता है ना, यानी मैंने स्विच ऑन किया इसीलिए पंप ऑन है, पंप का प्रेशर भी बताएगा, ठीक है, उसमें हाइड्रोलिक लेवल भी बताएगा, ये पंप का पावर भी बताएगा, ये रहा, ये फ्रेशाई बताएगा, और ये टाइमर बताएगा, यानी ये पंप का जितना भी ऑपरेट करेंगे हम लोग उसका ये पूरा सिस्टम यहाँ पे बताएगा, ठीक है। और इधर आ जाते हैं, यानी यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, ये इंजन का अगर पावर फेल होगा, पावर अगर फेल हो जाता है तो यहाँ पे अलार्म साथ में, इंजन शट डाउन ऑफ होगा, शट ऑफ हो जाएगा तो इसमें, ठीक है, सेंसर नॉक आएगा तो फिर इसमें, ये पूरा अलार्म है। फायर अगर इंजन में थोड़ी सी, इंजन हो या मशीन में कहीं पे भी थोड़ी सी आग लगती है तो ये अलार्म के साथ, यहाँ पे देखिए अलार्म के लिए दिया हुआ है, ये अलार्म के साथ में ये फायर का सिंबल भी आएगा, ये टेस्ट करने का, ये रिसेट और ये साउंड के लिए, ठीक है। इतना सा दिया है, पीछे भी एसी का ब्लोअर से जो हवा आती है ये पीछे भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये एफएम का स्पीकर्स है, ये देखिए यहाँ पे है, आगे नज़र आ रही है आप लोग को, तो ये एफएम का स्पीकर है। और सबसे मस्त चीज़ है ये देखिए, इसका फायर इंस्टीट्यूशन जो है, ये देखिए शीशे के बाहर आप लोग देख पा रहे हैं इंजन के सामने में, ठीक है, हाइड्रोलिक टैंक के ऊपर में फायर इंस्टीट्यूशन है ये। और ये फायर इंस्टीट्यूशन का स्विच जो है यहाँ से दिया हुआ है, ये देखिए, यानी मुझे अगर थोड़ा सा लगा कि मशीन में हमारी आग लग गई है, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा यहाँ अलार्म बजा फायर का, मैंने उधर देखा, बस इस पिन को जो है
इस पिन को निकालना और इसे पुल कर देना, इसे पुश कर देना, दाब देना है। इस पिन को निकालते ही बस इसे दाबना है, इसे दाबते ही ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट होगा तो पूरा इसके पीछे भी दो और फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, ये सारा एक साथ में एक्टिवेट होगा, यानी पूरा इंजन से लेके पीछे का पार्ट जितना भी मशीन का वो पूरा फायर एक्सटिंग्विशर कवर करेगा, यानी उस पर आग लगने ही नहीं देगा। तो इतना सा काम पूरा कैबिन पे ही दिया हुआ है। ये एक छोटा सा, एक मिनट, ये एक छोटा सा जैक हैमर भी, ये हैमर भी है, छोटा हैमर है ये शीशा तोड़ने के लिए। अगर बाय द वे ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी हो गया तो ये एक छोटा सा हैमर भी है, ठीक है। और कुछ खास तो इसमें है नहीं, इतना ही है इस कैबिन में, और ये मशीन बड़ी है, बस इतना ही है, और कुछ भी खास नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी जितना भी 470 मैंने आपको समझाया था लगभग लगभग सेम है, मगर बड़ी मशीन है, इसका थोड़ा सा सिस्टम्स अलग है। ये डैशबोर्ड का, ये लीवर तो चलाने का सबका सेम ही रहता है मशीन का, ये डैशबोर्ड का थोड़ा सिस्टम जो है वो चेंज रहता है हर मशीन में। ये मशीन 870 जो है टाटा की जो आई थी उससे ऊंचा वाला मॉडल, यानी नया वाला मॉडल का 870 का कैबिन का मैंने रिव्यू किया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, ये जो 870, हालांकि जितने भी 870 है सब में दिया हुआ है, ये जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है केबिन के बाहर में प्लेटफॉर्म, ये सभी 870 मशीन में है, लेकिन इसमें कुछ यूनिक स्टाइल में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, 870 का केबिन का रिव्यू, ठीक है, बढ़िया लगा हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को कुछ काम में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो ये 870 टाटा की मशीन जो है 870, इसके कैबिन के बारे में जानकारी देते हुए मुझे बहुत खुशी भी महसूस हुई कि जितने भी ज़रूरतमंद भाई हैं, जिनको भी कुछ भी नॉलेज अगर मिला हो, अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप लोग अदरवाइज़ क्या है कि छोटे से बड़े मशीन में कभी भी कोई कंपनी में ट्रायल के लिए जा रहे हैं, और अगर आपको 870 के बारे में पूछे, तो अगर कुछ समझ में भी ना आए तो कमेंट कीजिए मुझे, मैं कमेंट में बताऊंगा। हालांकि कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी नहीं दे पाता हूं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिलता है मुझे इसीलिए। और इस कैबिन के बारे में अगर कुछ भी पूछे तो आप आराम से बता सकते हो। ये देखिए, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा पूरा सिस्टम का जो अलार्म के साथ में है, और ये इधर पंप का, ये जो आप देख रहे हैं ये पंप का पूरा, और ये फायर एक्सटिंग्विशर का। तो ये सब मस्ट है, मतलब बड़ी मशीन है इसीलिए ये सब बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट अलग से लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेट किया जाता है। और ये जो टाटा की 870 है, ये मतलब अभी का लेटेस्ट जो मॉडल चल रहा है वो वाला है। तो इसके अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।